हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज की क्लास में हम वेक्टर कैलकुलस का सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। जो लास्ट लेक्चर हमने लिया था, वहाँ पे हमने किया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और वो हमने कैसे फाइंड आउट किया था, ए क्रॉस बी डॉट सी। ये आप इसको ये भी लिख सकते हो, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं। इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए बी सी, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, मीन्स तीन वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट किसको बोलते हो, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स के बीच में, तो उसको हम स्केलर बोलते हैं। ओके, चलिए भाई देखिए, ए बी सी तीन वेक्टर हमारे पास हैं, और इसके हमें चाहिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फर्स्ट टाइप। सेकेंड, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब यहाँ पे बात आती है, ए क्रॉस बी डॉट सी या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये दोनों टर्म इक्वल होती है, बट ऐसा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में नहीं होता। मीन्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूट नहीं करती। आपने पढ़ा होगा कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ओके, सो यहाँ से हमारे पास एक तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्योंकि इसमें ब्रैकेट है ना, ये दोनों टर्म्स इक्वल नहीं होती। पहले हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी, उसके बाद सी के साथ क्रॉस करना है, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, और क्रॉस करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, इसलिए इसको बोला जाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, सेकंड चीज, अब थोड़ा सा इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसका क्या मतलब है, यानी ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ए क्रॉस बी, आपको ये पता है कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर होता है वो उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है जिसमें ए और बी वेक्टर है। ज़रूरी नहीं है कि ए और बी वेक्टर पैरेलल होंगे, अनपैरेलल भी हो सकते हैं। सो ए क्रॉस बी उस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर कंटेन होंगे। ओके, आप इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। और अगर आप ऐसे दिखाते हैं कि यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी, देन ए क्रॉस बी जो वो परपेंडिकुलर होगा टू दिस प्लेन। ये हम पढ़ चुके हैं ए क्रॉस बी का मीनिंग होता है। यहाँ पे देखिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी किसके साथ क्रॉस कर रहा है, सी के साथ क्रॉस कर रहा है। दैट मीन्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड वेक्टर सी। थोड़ा सा समझना है यहाँ पे कि कंप्लीट ये जो वेक्टर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेनिंग ए क्रॉस बी एंड वेक्टर सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं, देखिए ए क्रॉस बी पे परपेंडिकुलर दिखा रहा है, सी पे परपेंडिकुलर दिखा रहा है। मींस अगर मैं ये ए क्रॉस बी है, इस पे परपेंडिकुलर लेती हूँ, कौन है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, एंड सी वेक्टर फिर कहाँ होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो ए क्रॉस बी पे भी परपेंडिकुलर जाएगा, सी पे भी परपेंडिकुलर जाएगा, मीन्स जिस प्लेन पे, प्लेन में दोनों लाई करते हैं। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सी वेक्टर, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ऐसे ही सी वेक्टर के भी ये लाइन परपेंडिकुलर होने चाहिए, क्योंकि यही इसका यही मीनिंग है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। सो अगर ये इस पे हमारे पास सी पे परपेंडिकुलर आती है दिस लाइन, सो सी वेक्टर हमारा किस टाइप से होगा, इस टाइप से, दिस इज वेक्टर सी, तभी तो ये इस पे सी पे परपेंडिकुलर जाएगा। समझ में आई बात? तो ए क्रॉस बी एंड वेक्टर सी आर द पैरेलल वेक्टर, आप ये बोल सकते हो यहाँ से। देन दिस इज ए वेक्टर विच परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए क्रॉस बी एंड वेक्टर सी। ओके, एंड लाइज इन द प्लेन ऑफ ए बी। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल जा रही है, कौन सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। मीन्स ये जो लाइन होगी, ये आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाए, सो उसी प्लेन में लाई करेगी जिसमें हमारे पास वेक्टर ए और बी है।
लाइज, कौन लाई कर रहा है, ये कंप्लीट वेक्टर लाइज इन प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर। थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर, उस प्लेन में परपेंडिकुलर है जो ए क्रॉस बी और वेक्टर सी को कंटेन कर रहा है। ओके तो यहाँ पे देखिए ऐसा प्लेन कौन सा बना, ये प्लेन बन रहा है हमारे पास, दिस प्लेन, ये वेक्टर सी भी है इसके अंदर, ए क्रॉस बी भी है और ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये हमारे पास इस पर परपेंडिकुलर आ रहा है। सेकंड हमने क्या कहा, ये वेक्टर उस प्लेन में लाई करेगा जिस प्लेन में ए एंड बी वेक्टर ऑलरेडी है। तो यहाँ पे इस ये लाइन जो है पैरेलल आप इसके भी ले सकते हो। ओके सो यहाँ पे इसी प्लेन में आ जाता है जिस प्लेन में ए और बी है। सो जिस वेक्टर पे ब्रैकेट आ रखी है, जैसे कि ए क्रॉस बी पे ब्रैकेट है, सो ये वेक्टर उसी प्लेन में लाई करेगा जिसमें ए एंड बी है। अब इसकी दूसरी फॉर्म देख लेते हैं, ये जो दे रखी है आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका क्या मतलब है, इज अ वेक्टर विच परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing vector A and vector B cross C, इस plane की तो ये perpendicular रहेगा and lies in plane containing vector B and C, उस plane में lie करेगा जहाँ जो plane B और C को already contain करता है। ओके तो ये इसके रिप्रेजेंटेशन यानी ये पूछ भी लिया जाता है, दो दो नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं और इनका यूज़ हम जो क्वेश्चन में भी करेंगे, सो कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन फॉर्मूला फॉर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, मीन्स अभी हमने पढ़ा क्या होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको आप कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर ए डॉट सी फर्स्ट एंड थर्ड मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी और जो रह गया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है इस तरह से ओपन करना है। सेकंड आपके पास क्या था, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सेकंड फॉर्म है इसकी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, कि पहले ए क्रॉस बी पे ब्रैकेट आए फिर हम सी के साथ क्रॉस करें। सो इसको ओपन कैसे करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू वेक्टर ए, ये इसका फॉर्मूला है दोनों का जो कि आपको बिल्कुल एज इट इज याद रखना है। ये टर्म फर्स्ट टर्म दोनों की सेम होती है ए डॉट सी इंटू बी, बट जो सेकेंड टर्म है वो चेंज आ जाती है। ठीक है सो ये इसको आपको प्रूव करना है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, प्रूव करना आता है एग्जाम में कि आप इसको प्रूव कीजिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसके इक्वल होता है। ठीक है तो एक बार आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये हमें प्रूव करना है। यहाँ से आप वेक्टर ए लेके चलिए, लेट ए इज इक्वल टू ए वन आई ए टू जे ए थ्री के, वेक्टर बी इक्वल टू बी वन आई बी टू जे प्लस बी थ्री के एंड वेक्टर सी इज सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के। बहुत इजी है, देखते ही पता चल रहा है, पहले आपको यहाँ पे बी क्रॉस सी फाइंड आउट करना है, बी क्रॉस सी आप कर सकते हो इजीली डिटर्मिनेंट फॉर्म से, आई जे के बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, यहाँ से आप इसको एक्सपेंड करेंगे और बी क्रॉस सी की वैल्यू निकल जाएगी ना, बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू आई माइनस ऑफ बी वन सी थ्री माइनस सी वन बी थ्री इंटू जे प्लस बी वन सी टू माइनस सी वन बी थ्री इंटू के, बी क्रॉस सी की वैल्यू पता चल गई हमें। अब मुझे चाहिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के वैक्टर ए की जो आपने आपके पास वैल्यू है ए वन आई ए टू जे ए थ्री के, यहाँ से आ जाएगा ए वन ए टू ए थ्री
ठीक है, और बी क्रॉस सी अभी आपने फाइंड आउट किया है यहाँ से बी क्रॉस सी की वैल्यू. सो आई का जो मल्टीपल है बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू, जे का मल्टीपल यहाँ पे ए टू था हमारे पास, माइनस ऑफ माइनस है ना, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, या तो दिस इज सी वन बी थ्री माइनस बी वन सी थ्री, और जो के का मल्टीपल बी वन सी टू माइनस सी वन के का यहाँ पे बी टू आएगा है ना, सी वन बी टू, हाँ जी बी टू आएगा. इसका आप डिटरमिनेंट एक्सपेंड करिए, ये वैल्यू आ जाएगी ए क्रॉस बी क्रॉस सी. अब हमें चाहिए जो इसकी राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड पे बोला गया है वही वही आप करते जाइए. राइट हैंड साइड क्या दे रखी है आपको, राइट हैंड साइड इज ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू वैक्टर सी. एक पार्ट में करके दिखा देती हूँ आपको, ए डॉट सी इक्वल टू ए और सी वैक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट कीजिए आप, ये ए वैक्टर है ये सी वैक्टर है, ए वन सी वन प्लस ए टू सी टू प्लस ए थ्री सी थ्री, ए वन सी वन ए टू सी टू ए थ्री सी थ्री, ये वैल्यू आ जाती है ए डॉट सी की. सो मुझे चाहिए ए डॉट सी इंटू वैक्टर बी. सो यहाँ से आप बी वैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए वन सी वन प्लस ए टू सी टू ए थ्री सी थ्री मल्टीप्लाई बाय किससे है, वैक्टर बी, और वैक्टर बी की वैल्यू हमने ले रखी है बी वन आई बी टू जे बी थ्री के, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है सो हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, ए वन बी वन सी वन आई प्लस इस नंबर की मल्टीप्लाई आप इसके साथ भी करेंगे इसके साथ भी करेंगे सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ओके, या फिर आप चलो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं इसको, ए वन सी वन कंप्लीट ही आ जाएगा फिर तो हम कॉमन ही ले लेते हैं इसको, ए वन सी वन ए टू सी टू प्लस ए थ्री सी थ्री इंटू आई चलेगा और बी वन को साथ ले जाइए इसमें, बी वन सी वन बी वन यहाँ पे बी वन, ठीक है. इसी तरह से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जे के साथ, ए वन बी टू सी वन ए टू बी टू सी टू प्लस ए थ्री बी टू सी थ्री इंटू जे, फिर आप थर्ड टर्म के साथ कर रहे हो, ए वन बी थ्री सी वन प्लस ए टू बी थ्री सी टू प्लस ए थ्री बी टू सॉरी बी थ्री सी थ्री, दिस इज इंटू जे आ जाएगा ओके. सो ये हमारे पास वैल्यू आती है ए डॉट सी इंटू बी की. इसी तरह से आप फाइंड आउट करेंगे ए डॉट बी, ए डॉट बी मीन्स दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ए और बी की, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, और फिर उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, ठीक है. फिर वेक्टर सी से ऐसे ही मल्टीप्लाई करिएगा, इज इक्वल टू ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री मल्टीप्लाई बाय सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के. इसको आप सॉल्व करेंगे और दोनों को माइनस करेंगे, सो इसका जो आंसर है इसके एक्सपेंड करने के बाद जो आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड वो दोनों इक्वल आएंगे. इस तरह से आपको प्रूव करना है एज इट इज़. जो आपके पास है सेकंड फार्मूला ये भी प्रूव करना आ सकता है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालेंगे. इसमें हमने पहले क्या फाइंड आउट किया, जिसमें ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट किस पे पहले बी क्रॉस सी पे, तो पहले हम इसी की वैल्यू निकालेंगे है ना. सो यहाँ पे आप पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे फिर सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी. एंड इन द राइट हैंड साइड ए डॉट सी कीजिए बी के साथ मल्टीप्लाई, बी डॉट सी कीजिए ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वल आएंगे, वहाँ से आपका जो प्रूफ कंप्लीट. सो इस तरह से आपको प्रूव करना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आए हुए भी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, शो बाय एन एग्जाम्पल ए क्रॉस बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लेके चलना है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो. ए जिस ए वैक्टर को मैंने लिया यहाँ पे आई प्लस जे प्लस के, वैक्टर बी को ले लेती हूँ टू आई प्लस जे प्लस टू के, एंड वैक्टर सी इज इक्वल टू थ्री आई प्लस थ्री जे प्लस के. कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप एज इट इज लेंगे, जो भी आपके मन में आए. ए बी सी आपको वेक्टर लेके चल रहा है इन द फॉर्म ऑफ आई चेक के ओके. सो यहाँ पे जैसे जैसे बोला गया है आप ये साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करते जाएंगे. जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड है जो अभी हमने प्रूव किया है कुछ इसी तरह से ही है, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये हमें
इसकी वैल्यू चाहिए। सो पहले आप क्या करेंगे, बी क्रॉस सी को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में बी क्रॉस सी है ना, आई जे के, बी की वैल्यू यहाँ से उठाइए, दिस रो इज 2 1 2 एंड सी वैक्टर इज 3 3 1, एक्सपेंड करिए, यहाँ से बी क्रॉस सी की वैल्यू आएगी। जो भी आंसर आएगा उसको ए के साथ फिर से क्रॉस कीजिए। इसी तरह से आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, इसमें पहले ए क्रॉस बी सॉल्व करेंगे, इसके बाद सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। गिव एग्जांपल सेकंड, शो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। दोनों वैक्टर जो ट्रिपल प्रोडक्ट हैं ये इक्वल होंगी, कब होंगी, इफ़ एंड ओनली इफ ए एंड सी आर कोलिनियर। नॉर्मली तो ये इक्वल नहीं होती है, कम्यूट नहीं करती क्रॉस प्रोडक्ट, बट ये इक्वल तभी होंगी जब ए और सी वैक्टर कॉलिनियर यानी ए की लाइन पे लाई करेंगे, ओके। सो देखिए इसको प्रूव करना है, सबसे पहले इफ़ एंड ओनली इफ ये कंडीशन है, हम ये लेके चलते हैं कि दोनों इक्वल है, हम प्रूव करेंगे ए एंड सी कॉलिनियर है। लेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए। जो राइट हैंड साइड पे टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, ए डॉट सी इंटू बी माइनस, यही लिख देती हूँ, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। ए डॉट सी इंटू बी, ए डॉट सी इंटू बी सेम टर्म कैंसिल, यहाँ से आएगा ए डॉट, ये माइनस की आ रही है, पहले प्लस की ले लेते हैं, बी डॉट सी इंटू ए माइनस ए डॉट बी इंटू सी इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से आपको वापस फॉर्मूला बनाना है, जैसे मैंने ये फॉर्मूला ओपन किया था, अगर आपको ये टर्म दे रखी है तो आप ये लिख सकते हो, अगर आपको दिया मिले ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी तो आप ये बना सकते हो। कैसे बनाना है, जैसे ही आप ओपन करते हो ए और थर्ड वैक्टर के साथ डॉट होता है ए डॉट सी, और सेकंड जो बीच वाला वेक्टर होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बी डॉट सी, इसका मतलब जो बी वेक्टर है वो फर्स्ट प्लेस पे है, डॉट सी ये थर्ड प्लेस पे, यानी कि दिस किसके साथ, डॉट ए, ए बीच में। अब ब्रैकेट किस पे लगाएंगे, क्रॉस तो आना ही है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, ब्रैकेट इस पे चलेगी या इस पे चलेगी, ये आगे चेक कर लेते हैं। फिर कहता है ए डॉट बी, बी डॉट सी इंटू ए, फिर कहता है ए डॉट बी इंटू सी। अब यहाँ पे चेक करना हमें कि इसको किस तरह से लेके चलना है, ए डॉट बी और इंटू जा रहा है सी, ठीक है, तो इस पर ये आ जाएगा दिस इक्वल टू ज़ीरो। ओपन करके देखिए, बी डॉट सी इंटू ए, फिर ए डॉट बी करिए, बी डॉट ए, इसको अगर आप बी डॉट ए लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूट कर सकती है। अब आप इसको ओपन कर लीजिए, बी डॉट सी इंटू ए माइनस बी डॉट ए इंटू सी, तो ये फॉर्मूला इसका बनेगा, ओके। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स, टू कौन से, बी और ए क्रॉस सी, क्योंकि अब ये ब्रैकेट लगा दिया है तो एक ही वैक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों वैक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रही है, सो आइदर बी इक्वल टू जीरो या फिर ए क्रॉस सी इक्वल टू जीरो। बट बी तो जीरो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ए बी सी थ्री नॉन जीरो जो वैक्टर लेके चलते हैं, देयर फोर ए क्रॉस सी इक्वल टू जीरो। अगर दो वैक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आती है दैट मीन्स ए एंड सी, इसको आप लिख सकते हो ए इक्वल टू लैमडा सी, ठीक है, इम्प्लाइज दैट ए एंड सी आर कोलिनियर, ये कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है, ओके। कन्वर्स पार्ट देखिए, कन्वर्स पार्ट हमें गिवन है, हमें गिवन होगा ए एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर, अगर दो वेक्टर कॉलिनियर हैं सो हम एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं, कंडीशन ऑफ कॉलिनिटी, अगर आप ये लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा। सो अब हमें प्रूव करना है कि दोनों हमारे पास इक्वल आने चाहिए, ये तो हमें दे रखा था कंडीशन कि ए और सी कॉलिनियर है, अब हम ये प्रूव करेंगे कि दोनों हमारे पास इक्वल है, ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सबसे पहले, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ओपन करिए इसको, या फिर पहले वैल्यू पुट कर लीजिए, हम सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ए क्रॉस बी क्रॉस लैम्डा ए, लैम्डा कॉन्स्टेंट है, आप इसको बाहर ले लीजिए, दिस बिकम्स ए क्रॉस बी क्रॉस ए, ओपन करते हैं इसको,
a dot a into b minus a dot b into a. लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने इसको, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. राइट हैंड साइड पे क्या दे रखा है, a क्रॉस b क्रॉस c. सो a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू पुट करिए यहाँ से, लैम्डा a. दिस इज लैम्डा a क्रॉस b क्रॉस a, लैम्डा इंटू a डॉट a इंटू b माइनस b डॉट a इंटू a. अब आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, a डॉट b डॉट a को आप लिखोगे a डॉट a इंटू b माइनस a डॉट b, लिख सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूट कर सकता है ना, a डॉट b इक्वल टू a b डॉट a इंटू a. अब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का भी वही आंसर आ रहा है और राइट हैंड साइड का भी वही आंसर आ रहा है. सो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c. कब, जब हमें a और c वेक्टर कॉलिनियर दे रखे. अपन थर्ड कहता है प्रूव दैट a क्रॉस b क्रॉस c प्लस b क्रॉस c क्रॉस a प्लस c क्रॉस a क्रॉस b, और हमें इन सब के एडिशन को जीरो प्रूव करना है. आप एक एक स्टेप सॉल्व कर लीजिए. a क्रॉस b क्रॉस c फॉर्मूला ओपन करेंगे, a डॉट c इंटू b माइनस a डॉट b इंटू c. सेकेंड स्टेप है b क्रॉस c क्रॉस a, फर्स्ट एंड थर्ड के साथ डॉट करते हैं, b डॉट a इंटू c माइनस यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड b डॉट c इंटू a. थर्ड स्टेप है c क्रॉस a क्रॉस b, दिस इज फर्स्ट एंड थर्ड c डॉट b इंटू a माइनस c डॉट a इंटू b. हमें क्या करना है, तीनों के एडिशन ऐड कर दीजिए आप, सब में ऐड करेंगे. अब यहाँ पे देखते हैं a डॉट c इंटू b c डॉट a, c डॉट के a को आप a डॉट c इंटू b लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट कम्यूट करता है. सो ये टर्म इसके साथ कैंसिल, a डॉट b b डॉट a सेम होती है टर्म, ये इसके साथ कैंसिल और ये इससे कैंसिल, इक्वल टू जीरो आ जाएगा. ठीक है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है. ओके क्वेश्चन फोर्थ में आपको गिवन है, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी की वैल्यू और वेक्टर सी की वैल्यू आपको गिवन है. आपको सबसे पहले फाइंड करना है, फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी, एंड सेकंड आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिस इज अ कंप्लीट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी क्रॉस सी. देखिए भाई, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ए जो वेक्टर दे रखा है आपको, जैसे कि ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 2i 3j + 4k, यही है. हाँ जी, बी वेक्टर इज i + j - k और वेक्टर सी की वैल्यू है सी इज i - j + k. सबसे पहले तो आप ये इजीली निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी करिए. एक क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू चाहिए हमें, ए क्रॉस बी क्रॉस सी. देखिए दो मेथड है करने के, या तो आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व कीजिए. कैसे, पहले आप बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालेंगे इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म, क्योंकि आई जे के में आपको वैल्यू गिवन है, फिर आप ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे. जो मर्जी आए कर सकते हो. अगर आपको ऐसे नहीं करना, फॉर्मूला ओपन कर सकते हो, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी. ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा. कैसे, ए डॉट सी, ए की और सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिए, 2 × 1 डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, 2 × 1 इज अ 1 माइनस 1 + 3, 4 × 1 इज अ 4 और बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, i + j - k माइनस ए और बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, 2 + 3 - 4. ठीक है, और सी के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए कांस्टेंट टर्म, इससे मल्टीप्लाई करके एडिशन यानी सब्ट्रैक्शन हमें करना है, सॉल्व करना है मीन्स इसको. सो आपको वैल्यू मिल जाएगी ए क्रॉस बी क्रॉस सी के. ठीक है, फिर आपको क्या दिखाना है यहाँ से, ये हमें वेरीफाई करना है कि दिस वैक्टर यानी यहाँ से जो वैल्यू आ रही है आपके पास, ये वैक्टर परपेंडिकुलर होगा वैक्टर ए के और बी क्रॉस सी के. सो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी
डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो आएगा, ये आपको प्रूव करना है। मीन्स आपको केवल डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी ए क्रॉस बी क्रॉस सी की, आई जे के में वैल्यू आ जाएगी। वेक्टर ए आपके पास है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट कीजिए, देखिए जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। जीरो आता है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओके। और अगर आप इसको बी क्रॉस सी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ये तो आपको खैर निकालना ही पड़ेगा। बी क्रॉस सी की वैल्यू आपको यहाँ पे चाहिएगी। क्यों चाहिएगी? क्योंकि मुझे बी क्रॉस सी निकालना है ताकि मैं ये प्रूव कर सकूँ कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी बी क्रॉस सी के साथ परपेंडिकुलर है। इसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पे ए क्रॉस, ये वैल्यू आप निकाल चुके होंगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे किसके साथ, जो वैल्यू आएगी बी क्रॉस सी, और वो हमारे पास क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। सिर्फ कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल, आप इजीली कर सकते हो। बेसिक मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, ओके। सो आज के लेक्चर में भाई हम ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन चार हमने कंप्लीट किए हैं यहाँ पे। सारे एग्जाम्पल ही इसके इंपॉर्टेंट हैं, सो सभी एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम इसके ट्राई करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इनको इनकी प्रैक्टिस कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।